भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे आखिरी वनडे मुकाबले में टीम इंडिया फिलहाल दबाव में है। आपको बता दें कि भारतीय टीम अब हार की कगार पर साफ नजर आ रही है। श्रीलंका का स्कोर 17 ओवरों के अंदर 105 पर एक है, लेकिन इस सीरीज के सबसे बड़े रन गेटर अविष्का फर्नांडो का परफॉर्मेंस काफी जानदार रहा है। अविष्का फर्नांडो ने काफी जानदार तरीके से आज की है बल्लेबाजी और यहाँ पर बताया है कि क्यों वो श्रीलंकाई टीम के फ्यूचर कहे जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की है वो भी काफी जानदार रहा है, और साथ ही जिस अंदाज में राजपक्षा के साथ उनकी जो पार्टनरशिप हुई है वो भी काफी जानदार रही है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस अंदाज में भारतीय टीम खेल रही है वो काफी हैरान कर देने वाला है। अच्छे चेंजेस क्यों किए इस समझ से परे है। आप खिलाड़ियों को मौका देते, समझ लेते और बताते कि आखिरकार आप तीसरा मैच डिजर्व करने लायक थे। ठीक है, नए खिलाड़ियों को आप मौका देना चाहते हैं ये बात अलग है, लेकिन अब भारत को भी समझना होगा कि अगर आपको बड़े मैचेस जीतने हैं तो आपको खिलाड़ियों को मौका देना होगा, वरना खिलाड़ी आपके लिए फिर एक तरीके से खराब ही होते जाएंगे। बात करें अगर अविष्का फर्नांडो की, तो उन्होंने शुरुआत से ही टोटल कंट्रोल रखा, पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। हालांकि विनोद भानुका का विकेट जरूर मिला भारत को पावर प्ले के अंदर, लेकिन उसके बावजूद अच्छी बल्लेबाजी की अविष्का फर्नांडो ने। 54 गेंदों में 51 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्का जड़ा उन्होंने ताबड़तोड़। अभी भी नाबाद वो क्रीज पर टिके हुए हैं और आज भारतीय गेंदबाज पूरे तरीके से यहाँ पर पस्त अभी तक नजर आए हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर अविष्का फर्नांडो की हुई है। कुशाल परेरा के बाद अगर श्रीलंकाई टीम को एक अच्छा ओपनर ढूंढ रही थी तो अविष्का फर्नांडो के रूप में उनके पास एक अच्छा यहाँ पर ओपनर उनको मिल चुका है, जो कि आने के चक्कर में अब एक लंबा प्रदर्शन भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में। बड़ी बात यह है कि अब भारत के लिए थोड़ा सा इस मैच को बचाना मुश्किल होता नजर आ रहा है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।